गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम हिंदी के बारे में पढ़ेंगे। बेटा, आप लोगों ने पिछले साल क्लास फिफ्थ में हिंदी में संधि विच्छेद पढ़ा था ना। तो उसमें संधि विच्छेद में यानी संधि यानी कि जोड़ना होता है, और संधि विच्छेद यानी उसको तोड़ना होता है, विच्छेद करना, तोड़ देना, अलग अलग कर देना। तो संधि जोड़ देना, संधि का मतलब जोड़ना, और इंग्लिश में शब्द है जॉइनिंग, यानी उनको दोनों को जोड़ देना। जैसे ट्रैक्टर को ट्रॉली के साथ जोड़ देते हैं तो वो जुड़ जाता है, तो वो उसका संधि हो गया, और वहाँ से वापस भी खोल सकते हैं, तो वो संधि विच्छेद हो गया। वापस अलग अलग करना संधि विच्छेद हो गया, दोनों को जोड़ना संधि हो गया। तो ऐसे ही शब्दों को अलग अलग जोड़ दिया जाता है, जैसे विद्या प्लस आलय। तो जब विद्या और आलय दोनों जब अलग अलग है, जब उनको एक साथ जोड़ा जाता है तो वो बनता है विद्यालय। तो उसको हम जो विद्या और आलय को जोड़ने से जो विद्यालय बनेगा वो होगा संधि, और जब हम उनको वापस दोनों को अलग अलग करेंगे तो वो होगा संधि विच्छेद। तो संधि मतलब जोड़ना, संधि जोड़ना, विच्छेद अलग करना। तो विच्छेद नहीं है यहाँ, आपको जोड़ना है, संधि करना है, तो जोड़ना है। तो जोड़ना किन्हीं दो शब्दों को जोड़ना वो संधि कहलाता है। परिभाषा, भाषा को प्रवाह में बोलते समय कभी कभी ध्वनियाँ इतनी निकट आ जाती है कि वे अलग अलग सुनाई न देकर एक अन्य शब्द रूप धारण कर लेती है। इस प्रकार वर्णों के परस्पर मेल से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। फिर से देखेंगे, भाषा को प्रवाह में बोलते समय कभी कभी ध्वनियाँ इतने निकट आ जाती है, जो हम बोलते हैं जैसे विद्या, और अब बीच में प्लस है ही नहीं, लेकिन अपन बोल रहे हैं विद्या आलय, विद्या आलय, विद्या आलय, विद्यालय, विद्यालय। तो वो एकदम से यानी विद्या और आलय का जो बीच का जो गेप है, जो शब्दों के बीच में, जो ध्वनियों के बीच में जो थोड़ा सा गेप आ रहा है सब, वो ख़त्म हो जाता है और सीधा विद्यालय जुड़ जाता है। इस तरह से वो अलग अलग सुनाई नहीं देकर एक अन्य शब्द रूप धारण कर लेता है। विद्या आलय के बजाय सीधा आ जाता है विद्यालय। इस प्रकार वर्णों के परस्पर मेल से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है, और इस तरह से जो नया शब्द जो बनता है वो संधि कहलाता है। जैसे हिम आलय, तो हिमालय, तो ए और आ दोनों मिल करके आ बनाएंगे, हिम आलय, हिम आलय, हिमालय, हिमालय, हिमालय। तो वो हिम आलय का जो हिम और आलय के बीच में जो थोड़ा सा गेप है वो भर जाता है, और उस हिम आलय को जो बीच में जो थोड़ा सा टाइम लग रहा है वो टाइम ख़त्म हो जाता है और सीधा हिमालय बन जाता है। तो ये हो गया संधि। इसी तरीके से सूर्य उदय, अब देखिए यहाँ सूर्य प्लस उदय लिखा हुआ है, तो ए है और उधर उ है, लेकिन अगर दोनों को अगर अपन एक साथ बोलेंगे सूर्य उदय, सूर्य उदय, सूर्योदय, 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 तो कंटिन्यू अगर अपन और उसको जितना जल्दी बोलेंगे वो शब्द उतना जल्दी उसमें अंतर स्वतः बन जाएगा, उसमें विकार अपने से प्रकट हो जाएगा। तो सूर्य उदय, तो पहले बोलेंगे सूर्य उदय, सूर्य उदय, सूर्य उदय, सूर्योदय। तो आप खुद इसको प्रैक्टिस करके देखिए, ये सूर्य उदय जो है उसको बार बार जल्दी जल्दी बोलेंगे तो ये सूर्योदय शब्द बन जाएगा। उसके पश्चात, उपयुक्त उदाहरणों में वर्णों के परस्पर मेल से विकार उत्पन्न हुआ है। पहले में तो क्या था, हिम आलय, तो मैं का सीधा माँ बन गया हिमालय। उसी तरह इसके से वहाँ सूर्य उदय में सूर्य और उदय दोनों मिलकर के ओ बन गया, तो हो गया सूर्योदय। तो ये विकार उत्पन्न हो गया, ये दूसरा शब्द बन गया। जब दो शब्द या पद पास पास होते हैं तब उनके उच्चारण में सुविधा लाने के लिए पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द पहले वर्ण को मिला दिया जाता है, जिससे नया शब्द बनता है। भाई, जब दोनों शब्द पास पास में हैं तो उन दोनों शब्दों के जो पहला शब्द है उसका अंतिम, तो शब्द या पद पास पास होते हैं तो उनके उच्चारण में सुविधा लाने के लिए पहले शब्द के अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण यानी जो अंत में है उसमें, और दूसरे शब्द के
प्रथम वर्ण को मिला दिया जाता है, दूसरा शब्द जो भी है उसका पहला, जैसे हिम, तो हिम में मैं अंतिम वर्ण है, पहला शब्द है हिम, हिम का अंतिम वर्ण है मैं, तो मैं को, और दूसरा शब्द आलय, आलय का प्रथम वर्ण हो गया आ, तो मैं और आ दोनों को मिलाते हैं तो माँ बनता है और ये बनता है हिमालय। इसी प्रकार से सूर्य उदय में, सूर्य में सु स उनकी मात्रा र हलंत ये और फिर अंत में ए, इस तरह से सूर्य बनता है, तो सूर्य में सूर्य का ये का ए और उधर उदय का उ दोनों मिलकर के बनाते हैं ओ, तो ये हो जाएगा सूर्योदय। इसी प्रकार से विद्या प्लस आलय, तो विद्या का जो आ है वो और आलय का आ दोनों, दो जो आ रहे हैं दोनों आ मिलकर के एक आ बनाएंगे और ये हो जाएगा विद्यालय। इसी प्रकार से सूर प्लस इंद्र, सुरेंद्र, सूर का रे का जो ए है वो और इंद्र का ई, ये दोनों मिलकर के ए और ई दोनों मिलकर के बनाएंगे ए और ये हो जाएगा सुरेंद्र। सूर प्लस इंद्र, तो सु का सु रहेगा, रे का रे रहेगा और ए जो रे में जो ए मिला हुआ है वो ए और उधर का ई, ये दोनों मिलकर के ए बन जाएंगे, तो सूर रे और उसके ऊपर ए की मात्रा, अंग की मात्रा और आगे वाला जो दूसरे शब्द जो इंद्र है उसका द्रय है वो वैसा का वैसा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सुरेंद्र। इसी तरीके से महा प्लस ऋषि, तो महा हा, हा में जो आ है वो और ऋषि का री दोनों मिलकर के री बन जाएगा और ये हो जाएगा महर्षि। सत्य अर्थ, सत्य तो स आधा तय ये हलंत उसके बाद ए, तो ये सत्य प्लस अर्थ का ए, तो जो सत्य के अंत में वर्ण जो अंतिम वर्ण ए था स तय ये और ए, तो जो ये हलंत था उसके बाद ए था, तो ये हलंत होने से आधा हो जाएगा, उसके बाद ए और दोनों ए दोनों मिलकर के आ की मात्रा हो जाएगी, तो सत्य और आ की मात्रा ता, तो सत्यार्थ। अतः ये आप परिभाषा को ये वाली सीधे सीधे लिख लेंगे, दो ध्वनियों या वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, अच्छे से समझ लो, दो ध्वनियों या वर्णों के मेल से, अगर अपन बोल रहे हैं उच्चारण कर रहे हैं तो ध्वनियाँ निकलेंगी और अगर अपन लिख रहे हैं तो वो मेल होगा, तो दो ध्वनियों या वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव आता है, उसे संधि कहते हैं। जब दो शब्द आपस में आकर के या जो दो वर्ण दो ध्वनियाँ जब आपस में आकर के मिलती है तो उनमें एक परिवर्तन होता है, एक विकार उत्पन्न होता है, एक बदलाव आता है, जैसे सूर्य और उदय वाले में आया कि सूर्य उदय तो सूर्योदय, तो वो ए और ऊ मिलकर के ओ हो गया, तो ये उसमें बदलाव हुआ कि नहीं हुआ, परिवर्तन हुआ ना, तो ये ओ हो गया, तो वो हो गया सूर्योदय। इसी प्रकार से हिम प्लस आलय, तो हिम का मैं और आलय का आ दोनों में मिलकर के माँ बनाया, तो ये हो गया हिमालय, तो माँ हुआ, तो माँ में परिवर्तन हुआ ना, अंतर हुआ, बदलाव हुआ। इसी तरीके से विद्या प्लस आलय, दोनों में फिर मिलके आ बन गया, तो विद्यालय जो नया शब्द बना विद्यालय, तो ये अंतर हुआ। इसी तरीके से सूर प्लस इंद्र बराबर सुरेंद्र, तो ए और ई दोनों मिलकर के ए बनाएंगे और इस तरह से ये सुरेंद्र शब्द हुआ, तो ये तो दो ध्वनियों या वर्णों के मेल से जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है, उसे संधि कहते हैं। संधि करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दो शब्दों या पदों के मेल से एक सार्थक शब्द बने, यानी जब संधि करते हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए कि दो जो समान शब्द हैं, जो भी शब्द हैं दो, उनको मिलाने से, उनके मिलाने से एक नया सार्थक शब्द बनना चाहिए। सार्थक शब्द यानी ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता हो, ऐसा बेतुका शब्द नहीं हो जिसका कोई अर्थ ही न निकले, उसको हम संधि नहीं कहेंगे। कहीं किसी को भी ले जाकर के जोड़ दोगे तो वो संधि नहीं कहलाएगी। संधि कहलाने का मतलब यह है कि दो जो ध्वनियाँ हैं, जो दो वर्ण हैं, वो मिलने के बाद एक सार्थक शब्द बनाए। संधि विच्छेद,
जो पिछले साल अपन ने संधि विच्छेद पढ़े थे वो फिर से आ रहा है यहाँ पे। जैसे संधि विच्छेद का अर्थ है अलग करना, जो मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया था कि विच्छेद का मतलब होता है अलग करना, संधि जोड़ना, संधि विच्छेद दोनों को वापस अलग अलग करना। दो वर्णों के मेल से बने हुए शब्द को पूर्व स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे दो शब्द हों पहले से और उनको आपस में दोनों शब्दों को हम पूर्व वाली स्थिति में लाते हैं, पहले वाली स्थिति में लाते हैं, तो वो संधि विच्छेद हो जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अब इसमें आते हैं संधि के भेद। संधि काइंड्स ऑफ जॉइनिंग, जो संधि है, जो जोड़ने की जो स्थिति है, उसके कितने प्रकार होते हैं। संधि के निम्नलिखित तीन भेद होते हैं। संधि के तीन प्रकार होते हैं। सबसे पहला है स्वर संधि। स्वर का स्वर से मिलान जो होता है, अगर अंत में भी स्वर है, पहले शब्द के अंतिम वर्ण स्वर हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी स्वर हो, तो उस तरह की जो संधि होती है वो स्वर संधि कहलाती है। स्वर में स्वर का मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है वह स्वर संधि कहलाता है। जैसे रचना प्लस आकार, रचनाकार, रचना में न में अंत में आ की मात्रा है और उधर आकार में आ है, तो दोनों तरफ आ, इधर भी आ उधर भी आ, तो आ भी स्वर है, और जो दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आ है वो भी स्वर है, तो स्वर से स्वर मिल रहा है, आपस में संधि कर रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा स्वर संधि। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के पांच भेद होते हैं। स्वर संधि पांच प्रकार की होती है। सबसे पहले है दीर्घ संधि, बड़ी वाली, यानी जब दो छोटे छोटे मिलकर के होते हैं तो बड़ा बनाते हैं, जैसे ऐसे ए और आ दोनों मिलकर के आ बनाएंगे, छोटी ई बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई बनाएंगे, बड़ी ई मिलकर के भी बड़ी ई बनाएंगे, छोटी ई दो छोटी ई मिलकर के भी बड़ी ई बनाएंगे, तो दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। जब ह्रस्व या दीर्घ ए ई ऊ स्वर वर्ण इस ह्रस्व या दीर्घ स्वर वर्ण से मिलते हैं तो दोनों स्वर मिलकर दीर्घ स्वर हो जाते हैं, यानी हमेशा वो दीर्घ ही बनेगा। ए है और आ है तो आ बनेगा, ई है छोटा ई बड़ा ई है तो बड़ा ई बनेगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ बनेगा, तो ये हो गया आपका दीर्घ संधि। जैसे कृष्ण प्लस अवतार, कृष्णावतार, तो इसमें दोनों ए, कृष्ण के अंत में ए है और अवतार के फर्स्ट में भी ए है, दोनों मिलकर के आ बन जाएंगे, तो ये हो जाएगा कृष्णावतार। स्व प्लस अधीन, तो स्व में वह है, अधीन में भी ए है, तो दोनों में ए ए, लेकिन दो स्वर मिलकर के बड़ा स्वर बनाते हैं, तो वो हो जाएगा ए के बाद आ होता है, तो वो हो जाएगा आ, तो हो जाएगा स्वाधीन। शब्द प्लस अर्थ, शब्द के द के अंत में ए मिला हुआ है, उसी तरीके से अर्थ का ए है, तो दोनों ए मिलकर के आ हो जाएंगे, तो यह हो जाएगा शब्दार्थ। सूर्य प्लस अस्त, सूर्य के ये के अंत में ए है और वहाँ अस्त के प्रथम में ए है, तो दोनों ए मिलकर के आ बनाएंगे, हो जाएगा सूर्यास्त। इसी तरीके से भोजन प्लस आलय, तो भोजन में अंत में न में ए है और आलय में आ है, तो भोजन प्लस आलय, तो दोनों ए और आ मिलकर के आ बन जाएंगे, तो हो जाएगा भोजनालय। छात्र प्लस आवास, छात्र के त्र में ए है और आवास में आ है, तो ए और आ मिलकर के आ बन जाएंगे, तो ये हो जाएगा छात्रावास। शिक्षा प्लस आलय, तो शिक्षा में आ है और आलय का आ है, तो दोनों मिलकर के एक बड़ा आ बनाएंगे, हो जाएगा शिक्षालय। इसी तरीके से कवि, ये नीचे देखेंगे, कवि ई प्लस ई बराबर ई में कवि प्लस इंद्र, तो दोनों ई ई मिलकर के बड़ा ई बनाएंगे, तो ये हो जाएंगे कविंद्र। देखो वी में, कविंद्र में वी के बड़ा है, छोटा वी नहीं है, छोटा ई की मात्रा लगी हुई है। इसी तरीके से रवि प्लस इंद्र में रविंद्र, तो इसमें क्या है, बड़ी की मात्रा लगी हुई है। कपि प्लस इंद्र कपिंद्र, गिरी प्लस ईस गिरीस, क्योंकि ये सब बड़ा ई बनेंगे, छोटा ई नहीं बनेंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखो कि जब भी इस तरह की स्थिति आती है तो ए प्लस ए दोनों मिलकर के आ बनाएंगे, अगर एक जगह ए है दूसरी जगह आ है तो भी आ बनाएंगे, दोनों जगह आ है तो भी आ बनाएंगे, और अगर दोनों जगह ए ए है तो भी
आ बनाएंगे। तो सीधी सीधी बात यह है, दीर्घ स्वर में आपको सीधा ध्यान रखना है कि बड़ा वाला ही आएगा, चाहे ए है तो आ जाएगा, छोटा ई है तो भी बड़ा ई आएगा, दोनों जगह बड़ा ई है तो भी बड़ा ई आएगा, अगर छोटा ऊ है तो भी बड़ा ऊ आएगा, दोनों जगह बड़ा ऊ है तो भी बड़ा ऊ आएगा, एक जगह छोटा ऊ एक जगह बड़ा ऊ तो भी बड़ा ऊ ही आएगा। जैसे इसी में अपन देखते हैं, नीचे देखिए यहाँ पे मही प्लस इंद्र महिंद्र तो बड़ा ई हो गया, नारी प्लस इंद्र नारिंद्र। इसी तरीके से ऊ में देखिए भानु प्लस उदय तो भानु में नूक में ऊ की मात्रा देखिए छोटी है और उदय में ऊ है, लेकिन दोनों मिलकर के बड़ा ऊ बन जाएंगे तो हो जाएगा भानुदय। इसी तरीके से लघु प्लस उत्तर तो दोनों लघु में जो ऊ छोटा है उत्तर का ऊ छोटा है तो दोनों मिलकर के बड़ा ऊ बन जाएंगे तो ये हो जाएंगे लघुत्तर। इसी तरीके से वधु प्लस उत्सव तो वधु में जो ऊ है वो बड़ा है, उत्सव में ऊ छोटा है लेकिन दोनों मिलकर के बड़ा ऊ ही बनाएंगे तो ये हो जाएगा वधुत्सव। इसी प्रकार से दूसरे जो शब्द हैं वो भी इसी तरीके से बनते चले जाएंगे। तो आज अपन इतना ही, यानी दीर्घ संधि तक अपन पढ़ेंगे, इसको अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है और आगे का जो है वो हम फिर और देखते हैं। आगे अपन फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। ठीक है बेटा, सबको अच्छे से इसको देख लेना है अच्छे से और अच्छे से अपनी कॉपी में कर लेना है। अगर जिस किसी ने भी नहीं किया है इसको समझ लेना, जो समझ में नहीं आए वो आप नोट कर लें कि कहाँ क्या समझ में नहीं आ रहा है, और उसके बाद में आप हमको पूछ सकते हैं कि सर हमको यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा है। तो जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसका समाधान बिल्कुल किया जाएगा, बिना किसी संकोच के आप पूछ सकते हैं।